जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज आईपीएल 2021 का 36वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला जा रहा है उसी की लाइव अपडेट के बारे में कि आखिरकार आज मैदान पर क्या प्लेइंग 11 टीम उतरी और मैच का भी क्या हाल चल रहा है, तो पूरी डिटेल जानकारी मैच से जुड़ी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, आज ऋषभ पंत के खिलाफ मैच से पहले संजू सैमसन ने दिया बड़ा बयान, ऋषभ पंत को लेकर कहा कुछ ऐसा और दे डाली ऐसी बड़ी चुनौती कि जानने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा। और वही जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, बीसीसीआई ने किया साफ, ना पंत ना केएल राहुल और ना ही रोहित शर्मा बल्कि ये खिलाड़ी बनेगा भारत का अगला कप्तान। तो दोस्तों आखिरकार कौन है खिलाड़ी उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में रोमांचक मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 के 36वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामना राजस्थान रॉयल्स की टीम से हुआ, जहां पर इस सीजन में राजस्थान की टीम दिल्ली कैपिटल्स को एक मैच में हरा भी चुकी है। जी हां दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी बेहद ही मजबूत है, जहां पर टीम के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं सुरेश अय्यर ने भी इंजरी से वापस आकर अपने फॉर्म में आने का सबूत दिया है। तो वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिल्ली की तरफ से खेलते हुए की है और ऐसे में दिल्ली की गेंदबाजी के असली जादूगर कगिसो रवाड़ा और एनरिक नोरकिया की जोड़ी है जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कहर बरपाया था। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा विस्फोटक है, उनके पास एवेन लुइस, संजू सैमसन, लियाम लिविंगस्टोन और महिपाल लोमरोर है जो कि अपने बल्लेबाजी से कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। तो वहीं पिछले मैच में राजस्थान की टीम ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, उनके पास मुस्तफिजुर रहमान और कार्तिक त्यागी जैसे गेंदबाज हैं जिन्होंने हार के मुंह से टीम के लिए जीत छीनी थी। तो वहीं दोस्तों मार्कस स्टोइनिस को पिछले मैच में चोट लगी थी और अब ये आज देखना दिलचस्प होगा कि आज मार्कस स्टोइनिस की वापसी प्लेइंग 11 टीम में ऋषभ पंत करवाते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर हम बात करें आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो आज आप सभी को राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 टीम मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी, उसमें शामिल होंगे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, इवन लुइस, संजू सैमसन, लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो वहीं अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 टीम आज मैदान पर उतरेगी उसमें खिलाड़ी शामिल होंगे पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, सिमरन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रवाड़ा, एनरिक नोरकिया और आवेश खान। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी आज प्लेइंग 11 टीम दिल्ली की। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली और राजस्थान के बीच में मुकाबले में आज कौन सी टीम अपने नाम इस मैच को करेगी। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, ना पंत ना केएल राहुल और ना ही रोहित, ये खिलाड़ी बनेगा भारत का अगला कप्तान। जी हां दोस्तों, जब से विराट कोहली ने इस बात की घोषणा किया कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के लिए T20 कप्तानी नहीं करेंगे, तब से कई दिग्गज और क्रिकेट फैंस अगले कप्तान को लेकर राय दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज चाइनामैन गेंदबाज ब्रेड हॉग ने भारत के अगले कप्तान के दावेदार के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान और शानदार भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम लिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अय्यर के अंदर वो काबिलियत है कि वो भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं। तो अपने YouTube चैनल पर उन्होंने अय्यर के बारे में कहा, वो चोट से वापस आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा दबाव में है, उनका चुनाव भारत के लिए मुख्य T20 वर्ल्ड कप टीम में भी नहीं हुआ, उनको जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तब ऐसा लगा कि ये भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर एक काफी बड़ी अपडेट है। बाकी आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का फैसला बीसीसीआई का बिल्कुल सही होगा या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 के 35 मुकाबले सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं, जहां पर आज यानी कि 25 सितंबर के दिन
इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 36वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है। और वहीं दोस्तों डबल हेडर मुकाबले में ये पहला ऐसा मुकाबला है जो कि दोपहर में खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 9 में से 7 जीते अब तक टूर्नामेंट में हासिल किए हैं और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद। तो वहीं बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने 8 मैचों में से 4 मैचों में जीत हासिल किया और ऐसे में उनके पास मौका है कि वो टॉप 4 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ले। युवा टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ा ऐलान किया है जहां पर उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 टीम में काफी नए नए खिलाड़ियों को शामिल किया है और एक तरीके से पूरी प्लेइंग 11 टीम को ही बदल डाला है। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि संजू सैमसन के खिलाफ उनकी टीम को हार का सामना करना पड़े और पॉइंट्स टेबल में उनके पॉइंट्स गिरे। और ऐसे में आज ऋषभ पंत किसी भी हाल में मैच जीत कर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि आज जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत ने खुद चुनी है उसमें उन्होंने जिन जिन खिलाड़ियों को शामिल किया है वो कुछ इस प्रकार से का। वहीं आवेश खान और एंड्रिक नॉर्डजे को टीम में शामिल किया जाएगा। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मध्यम क्रम की, जो मध्यम क्रम आप सभी को खिलाड़ी संभालते हुए दिखाई देंगे उसमें शामिल होंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस जो कि अब चोटिल नहीं है। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य में कप्तान बन सकता है यह युवा खिलाड़ी, इस दिग्गज ने की भविष्यवाणी। जी दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल के जरिए टीम इंडिया का न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाज मिल रहा है। ऐसे कई खिलाड़ी भी सामने आए हैं जिसमें शानदार लीडरशिप क्वालिटी है। तो वहीं दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली घोषणा कर चुके हैं कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद क्रिकेट पंडित कई युवा भारतीय खिलाड़ियों के नाम का सुझाव दे रहे हैं और जो कि भविष्य में संभावित कप्तान बन सकते हैं। इसी बीच एक खिलाड़ी का नाम सामने निकल कर आता है, वो है ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि भविष्य में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी कर सकते हैं। बीसीसीआई का एफ नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय अंक तालिका में टॉप 4 में बनी हुई है जहां पर लेकिन दोनों ही टीमों के अगले कुछ मैच काफी कुछ बयां करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों खासकर शुक्रवार आज यानी कि 24 सितंबर की दोपहर को कप्तान विराट कोहली के सामने एमएस धोनी की चुनौती होगी और इस मैच में हर किसी की निगाहें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर होगी। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।